ये 2024 का रमजान अल्लाह के फजलो करम से नौरोज को चीर के आएगा, तभी इल्मी हवाले से, माशी हवाले से, माली हवाले से रिज़्क़ में असबाब तमाम बुर्ज वालों के लिए बढ़ेंगे। लेकिन नौरोज का इस रमजान की औसत पे लगना इंसान के वजूद को इमोशनल बनाएगा, तभी जितना हो सके इंसान ये कोशिश करे कि इस रमजान 2024 का सदका जरूर दे। इंशाल्लाह वो पूरा साल अल्लाह की पनाह में रहेगा, तमाम नहस चीजों से दूर होगा। इस रमजान 2024 का सदका हस्बे तौफीक सफेद चीज, हस्बे तौफीक मछली, हस्बे तौफीक सब्ज चीज और हस्बे तौफीक गोश्त है। सफेद चीज से मुराद आटा हस्बे तौफीक लेके किसी मुस्तहक को दिया जाए। मछली अगर दामन में वसत हो तो बड़ी मछली लेकिन बगैर कटी हुई, और अगर दामन में वसत कम है तो छोटी मछली हस्बे तौफीक लेके किसी मुस्तहक को दी जाए। सब्ज चीज से मुराद कोई सब्जी जितनी दामन वसत हो साफ से लेके किसी मुस्तहक को दी जाए, और गोश्त हस्बे तौफीक लेके किसी मुस्तहक को दिया जाए। तो अल्लाह के करम से सेहत के हवाले से तमाम परेशानियां खत्म होंगी, माली हवाले से, कामों के हवाले से जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी, और यूं आने वाला साल अल्लाह के करम से सबके लिए बहुत ही मुबारक होगा।